क्वेश्चन नंबर सिक्स, जी बोल रहे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आपको दिया हुआ बैलेंस है इस पर, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इज 1400, लेटर द फॉलोइंग एरर्स फॉर डिसनोबल। कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस क्या बने, कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, इसमें सिर्फ कंट्रोल अकाउंट बनेगा। अच्छा, ये कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड पर, ठीक है। एरर ए, परचेज डे बुक वॉज अंडरस्टेटेड बाय 400। अच्छा, परचेज डे बुक अंडरस्टेटेड है, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा, परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। पेबल है ना, पेबल का बैलेंस क्रेडिट होता है। नेक्स्ट एरर बी, पेमेंट टू मिसेस दिया वाज रिकॉर्डेड इन हिज पर्सनल अकाउंट एज 350 इंस्टेड ऑफ 250। इसका इफेक्ट होगा, इंडिविजुअल की बात हो रही है, पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है, तो इसका कंट्रोल अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पॉइंट सी, कंट्रोल साइड ऑफ वाज ओमिटेड फ्रॉम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट पीएल परचेज लेजर, तो इसका इफेक्ट होगा, ओमिट हो गया, रिकॉर्ड करेंगे तो साइड ऑफ की एंट्री क्या होती है, अकाउंट्स पेबल डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा 200 से, अकाउंट क्लोज करते हैं, ये टोटल आ गया 1800, 1800 से 200 माइनस करेंगे तो इसका एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा 1600। राइट, कॉपी कर लें, उठ गए। कॉपी करें, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस गिवन है 40,400, ठीक है। बैलेंस कॉपी करते हैं पहले, ये अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एक ही बात है। अब करेक्शंस करते हैं, एरर ए, इसकी करेक्शन क्या, सेल्स रिटर्न डे बुक वॉज अंडर स्टेटेड बाय 450, ठीक। तो सेल्स रिटर्न अंडर स्टेटेड है, सेल्स रिटर्न को इंक्रीज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, डबल एंट्री क्या बनेगी, कौन डेबिट आफ्टर, ठीक है जी, एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अंडर स्टेटेड है, इंक्रीज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, क्रेडिट में आ जाएगा। बी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एज 400 इंस्टेड ऑफ 4000। कैश रिसीव किया हमने 4000, रिकॉर्ड किया 400 से, अब करेक्शन क्या होगी, अब 3600 से करेक्शन होगी और इसकी एंट्री क्या बनेगी, अब कैश रिसिप्ट की, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कैश रिसीव कर रहे हैं ना, तो कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 3600 से।
36 of it. Error C, an irrecoverable debts of 500 had not been entered in control account. रिकॉर्ड करना भूल गया, रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसकी डबल एंट्री क्या होगी? इरिकवरेबल डेट्स की डबल एंट्री, इरिकवरेबल डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 500 से। नेक्स्ट डी, कैश रिसीव्ड ऑफ 250 हैज बीन डेबिटेड टू अ पर्सनल अकाउंट। इसका अफेक्ट होगा? नहीं होगा। पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है तो इसका कैंसिल अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एरर ई, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 50 हैड बीन डेबिटेड टू बेल्स रिसीवेबल लेजर अकाउंट। तो यहाँ भी इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, या कैंसिल अकाउंट की बात कर रहे हैं? बेल्स नाम दे दिया ना कि इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो इसका भी कैंसिल अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल अकाउंट यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो बैलेंस करते हैं, टोटल आ गया डेबिट साइड, डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो ये एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा आपके पास 35850, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कंट्रोलर। ठीक है, कॉपी करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बनेगा अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 40,000। ठीक है, बैलेंस कॉपी करते हैं पहले। अच्छा, बैलेंस आ गया 40,000 क्रेडिट। ठीक है, आप करेक्शंस करेंगे। ऑफ पॉइंट ए, परचेज ए बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 3,000। अब परचेजेस ओवरकास्ट हो गई, ज्यादा कम करेंगे तो परचेज क्या होंगी? क्रेडिट। अकाउंट्स पेबल डेबिट, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट 3,000। क्लियर? क्लियर? नहीं समझ आया? परचेजेस ओवरकास्ट है, परचेजेस को कम करेंगे तो परचेज वैसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, कम करेंगे तो क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट। अच्छा बी, कैश पेमेंट ऑफ 6,000 वॉज रिकॉर्डेड एज 3,000 इन परचेज लेदर कंट्रोल अकाउंट। 6,000 पे किए, रिकॉर्ड 3,000 से किए, तो 3,000 से मजीद रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 3,000। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट 3,000 से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड्स वॉज ऑमिटेड फ्रॉम पर्सनल अकाउंट, तो नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अकाउंट क्लोज करते हैं, ये टोटल आ गया 40,000, माइनस करेंगे डेबिट साइड 6,000, तो एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा 34,000। कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया। अच्छा, ये बन गया कंट्रोल अकाउंट। अब इसमें हमें लिस्ट का बैलेंस दिया हुआ है, कितना? सेल्स लेजर बैलेंस है 37,000, को एडजस्ट करेंगे। अब हम बनाते हैं कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलेशन। ये आ गया बैलेंस है एज पर लिस्ट 37,000। अच्छा, एरर ए का इफेक्ट होगा इस पे? एरर ए का इफेक्ट होगा? नहीं होगा। एरर बी, उससे भी कंट्रोल अकाउंट की बात हो रही थी, नहीं आएगा। एरर सी, इसका इफेक्ट आएगा ना। क्या लिखा? रिटर्न आउटपुट वॉज ऑमेटेड फ्रॉम पर्सनल अकाउंट, तो रिकॉर्ड करेंगे तो रिटर्न आउटपुट की एंट्री क्या होगी? या परचेज रिटर्न एंट्री क्या होती है? परचेज रिटर्न क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट।
अकाउंट्स पेबल डेबिट मींस डिक्रीज, इसमें से माइनस करना। लेकिन पेबल का बैलेंस क्रेडिट होता है, यहाँ पे हम पेबल को डेबिट कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएंगे ना, और ये एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा 34,000। क्लियर? कॉपी कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन टैली कर रहे हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है सबको? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सॉल्व नहीं किया? नहीं, सॉल्व नहीं किया। चलिए शेयर कर लें चलें। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन 11 सॉल्व करें। इसमें बनेगा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो ये बैलेंस कितना है? 49,500। ठीक है, तो जब एरर ए, इसकी करेक्शन क्या होगी? परचेज रिटर्न ओवर स्टेटेड है, परचेज रिटर्न होती है क्रेडिट, कम करेंगे तो डेबिट हो जाएगी ना, तो परचेज रिटर्न डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो गया। ठीक है, अच्छा एरर बी, कॉन्ट्रा सेट ऑफ वाज ओमिटेड फ्रॉम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ओमिट हो गया, रिकॉर्ड कर लेंगे, तो एंट्री क्या होगी? अकाउंट्स पेबल डेबिट। एरर सी, डिस्काउंट रिसीव 1500 वाज ओमिटेड फ्रॉम सप्लायर अकाउंट, क्या इफेक्ट आएगा? सप्लायर इंडिविजुअल की बात हो रही है, नहीं आएगा, एरर सी नहीं आएगा, यहीं पे कंप्लीट। और ये इसका बैलेंस आ जाएगा 49,490। ठीक है, इस इसका ख्याल रखें, कौन से किस एरर का इफेक्ट होगा, किस एरर का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा इसमें रिसीवेबल अकाउंट बनेगा, बैलेंस कितना है? 75,400। डेबिट बैलेंस आ गया, करेक्शंस करते हैं। एरर ये, सेल्स पेबल वाज अंडरस्टेटेड बाय 450, सेल्स अंडरस्टेटेड है, इंक्रीज करेंगे, सेल्स हो जाएंगी क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गए। के बाद एरर बी, इसमें इंडिविजुअल की बात हो रही है, इसका इफेक्ट नहीं आएगा। एरर सी, ये ट्रेड बैलेंस लिस्ट से ऑमिट हो रहा है, तो इसका भी कंट्रोल अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। और ये बैलेंस आ गया इसका 75,850, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कंट्रोल। तो कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, 13, अच्छा अब इसमें हमें रिसीवेबल लेजर बैलेंस दिया हुआ है 12,802। जब एरर ए, सेल फॉर द वीक अमाउंटिंग टू 850 हैड बीन ऑमिटेड फ्रॉम कंट्रोल अकाउंट, अच्छा एरर ए का इफेक्ट होगा, नहीं होगा, इसमें कंट्रोल अकाउंट की बात हो रही है। ठीक है, एरर बी, और कस्टमर अकाउंट बैलेंस ऑफ 300 हैड नॉट बीन इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ बैलेंस, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्लूड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 300 ऐड हो गए। एरर सी, कैश रिसीव्ड ऑफ 750 हैड बीन एंटर्ड इन पर्सनल अकाउंट एज 570, इसका इफेक्ट होगा? होगा, इंडिविजुअल की बात हो रही है, 750 रिसीव किए, 570 से हमने रिकॉर्ड कर लिए,
उसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 180। तो 180 से मजीद रिकॉर्ड करेंगे तो कैश रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट, और क्रेडिट मीन्स डिक्रीज। तो यहाँ से 180 माइनस हो जाएंगे। ठीक, तो सम कर लेते हैं, ये एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा 1292, 12,922 एडजस्टेड बैलेंस।